नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में कुछ मोस्ट कॉमन एब्रिविएशन के फुल फॉर्म बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी फुल फॉर्म मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले फुल फॉर्म के साथ, जो कि SHO है। SHO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये जो SHO होता है, ये आपके एरिया के थाने का हेड होता है। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है CID। CID का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और ये एक खुफिया विभाग है गवर्नमेंट का। फिर तीसरे नंबर पे हम आते हैं PCS। PCS का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जो कि एक स्टेट सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की। और इसके चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे जी हैं, जो कि एक IAS हैं। इसके बाद हम आते हैं DSP पे, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका साइन होता है, इंसिग्निया होता है, इनके कॉलर पे 3 सिल्वर स्टार होते हैं, और नीचे स्टेट की बैजिंग होती है, जिस स्टेट की भी ये पुलिस होते हैं, या फिर IPS की बैजिंग होती है अगर आप IPS का डरते हैं तो। फिर आते हैं DGP पे। DGP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक स्टेट का पुलिस का हेड होता है, पूरी पुलिस ग्रुप का। और इसका इंसिग्निया होता है इनके कॉलर पे एक तलवार का क्रॉस और एक अशोक स्तंभ, और नीचे IPS की बैजिंग होती है। फिर हम आते हैं UPSC पे। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, पूरे देश भर में ये कंडक्ट कराया जाता है। उसके थ्रू अलग अलग जगह से लोग सिलेक्ट होके आते हैं। फिर हम आते हैं रॉ पे। रॉ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है, और ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको इस्टेब्लिश 1968 में किया गया था, जब सिनो इंडियन वॉर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, एजेंसीज फेल हो गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का गठन कर दिया था। फिर आते हैं मैं FIR पे। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप थाने में जाते हैं कोई भी कंप्लेन लॉन्च कराने, तो वो जो कंप्लेन जो रिटर्न में लिखी जाती है उसको FIR बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।